हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये कुर्ती जो है, कुर्ती की मैंने फ्रंट साइड का गला जो है वो कैसे तैयार करना है ये मैंने आपको बताया है। तो अभी यहाँ पे हमें अच्छी फिटिंग के लिए, कुर्ती की अच्छी फिटिंग के लिए बैक साइड में जो प्लेटें डालते हैं, तो वो जैसे नए नए सिलने वाले होते हो वो समझ में नहीं आता या कैसे प्लेटें डालने हैं, या एक साइड में चले जाते हैं तो वो फिटिंग अच्छी नहीं दिखती और बैक साइड की प्लेटें भी अच्छी नहीं दिखती। तो आपको ये बैक साइड की प्लेटें आप मेजरमेंट करके लोगे तो ये फिटिंग, इसकी कुर्ती की जो फिटिंग है ये बहुत ही अच्छी आती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे ये हमने बैक साइड ली है, बैक साइड का नेक जो है ये मैंने तैयार किया है। जैसे यहाँ पे हमने ये सिलाई नहीं लगाई क्योंकि शोल्डर जो है, शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। पहले हमने इसका सेंटर निकाला है, ये देखिए यहाँ पे हमने इसका सेंटर निकाला है। नाखून से इसको हमने प्रेस करके पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर निकालने के बाद ये देखिए, अभी कुर्ती की लंबाई कितनी है, पहले आप कुर्ती की लंबाई नापनी है। तो कुर्ती की लंबाई जो है वो है हमारी 39 इंच। अभी 39 इंच हमारी इसकी लंबाई है, तो ये लंबाई के हिसाब से भी हमें ये टक्स पॉइंट लेने पड़ते हैं। क्या हो जाता है, ज़्यादा लंबाई होगी तो आपको टक्स पॉइंट जो है, अभी पहले कम लंबाई होगी तो आप 8.5 से 8.5 इंच पे या 9 इंच पे आप टक्स पॉइंट लगा सकते हैं। लंबाई ज़्यादा होगी तो आपको 9.5 इंच पे या 9 साढ़े 9 इंच पे आपको ये टक्स पॉइंट लगाने हैं। अभी यहाँ पे हम नॉर्मल टक्स लगाते हैं, यहाँ पे हम 8.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 8.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमारा जो सेंटर है, सेंटर से हम 3.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए ऊपर के साइड से हमने 8.5 इंच लिया है, 9 इंच लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर के साइड में सिलाई में चला जाएगा, तो 9 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और बीच सेंटर से हमें 3.5 इंच लेना है। ये देखिए यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट है 3.5 इंच, यही रखना है, 3.5 इंच ही लेना है। फिर सिर्फ ऊपर के साइड में कम ज़्यादा होगा क्योंकि ये अब सिलाई जो शोल्डर ज्वाइन किया होता तो हम यहाँ पे 8.5 इंच लेते, लेकिन हमने ये शोल्डर ज्वाइन नहीं किया है, आधा इंच ऊपर के साइड में चला जाएगा, इसलिए हमने ऊपर के साइड से 9 इंच लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें 8.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 8.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद ये देखिए, 8.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी हमें 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये दोनों टक्स पॉइंट हुए। अब बैक साइड जो है, दूसरी साइड जो है, इसे हमें इस तरह से मार्किंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं और दूसरी साइड जो है यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। दोनों साइड में हमने इसके मार्किंग किया है। अब यहाँ पे हमें इसके टक्स, ये प्लेटें जो है वो कैसे डालनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहले हम इसको खोलते हैं। ये हमारा सेंटर है, सेंटर से इस साइड से 3.5 इंच लिया, इस साइड से 3.5 इंच लिया, यहाँ पे हमने 8.5 इंच लिया है। इस साइड से भी हमारा 3.5 इंच है और इस साइड से भी हमारे 3.5 इंच है, यहाँ पे हमारे 8.5 इंच है। अभी यहाँ हमें क्या करना है, इस तरह से हम जब टक्स पॉइंट लगाते हैं, तो इसे क्या करना है, यहाँ पे हल्की सी सिलाई इस तरह से लेनी है, बीच में आपको थोड़ी सी बढ़ानी है। ये देखिए बीच में आपको थोड़ी सी बढ़ानी है, बीच में बढ़ाने के बाद इसको इस तरह से फिर से वापस कम करनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको बीच में आपको 1/4 इंच लेना है, 1/4 या 1/2 इंच लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम सिलाई हल्की सी शुरू करेंगे लगाना, तो यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है, बीच सेंटर तक हमें ये इस तरह से लेनी है और उसके बाद फिर हमें कम करनी है और इसको बाहर सिलाई निकालनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ऊपर कैसे सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे, इसको पक्का करना है और हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सिलाई जो है 20 सेंटर तक बढ़ानी है। ये देखिए यह हम सेंटर पे आ गए। अभी सेंटर पे हमें क्या करना है,
हल्की सी अभी कम करनी है, जैसे ऊपर के साइड में हमने थोड़ी थोड़ी लेके इसको बढ़ाया था, अभी यहाँ पे हमें बाहर के साइड से लेके इसको थोड़ी सी कम करनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये टक्स पॉइंट जो है, प्लेटें जो है वो लगाई है। अब दूसरी प्लेट जो है इसी तरह से लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है उसको पहले पकड़ना है, इस तरह से लेनी है। बीस सेंटर तक आपको थोड़ी सी बढ़ानी है और फिर से आपको ये सिलाई जो है इस तरह से बाहर के साइड से हमें निकालनी है, तो वापिस हमें थोड़ी थोड़ी कम करनी है। हम इसके ऊपर फिर से वापस डबल सिलाई लगाते हैं क्योंकि ये अच्छे से पक्का हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, फिनिशिंग जो है वो अच्छी बनती है, ड्रेस की जो फिनिशिंग आती है और फिटिंग जो है बैक साइड में ड्रेस में फिनिशिंग भी आ जाती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। इसके ऊपर भी हमें ये डबल सिलाई लगानी है क्योंकि अच्छे से इसको पैक करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड में ये टक्स पॉइंट लगाए हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो दोनों प्लेटें हैं इस तरह से डाली हैं, तो ये जो सेंटर है हमारा बीच सेंटर से यहाँ पे 3.5 इंच, यहाँ पे 3.5 इंच और बीच में हमें दोनों साइड में हमने 8.5 इंच लिया है। तो इससे क्या हो जाता है, जो फिटिंग हम करते हैं तो यहाँ पे बीच में हमारा ये ढीला जो रहता है, जो फिटिंग अच्छी नहीं दिखती, जो ऐसे ढीला ढीला रखता है लगता है, तो यहाँ पे प्लेटें जो डालते हैं, प्लेटें डालने के बाद यहाँ पे ये फिटिंग जो है वो अच्छी आती है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप कुर्ती की सिलाई करेंगे तो आपको ये टक्स पॉइंट जो है वो डालने हैं, इससे कुर्ती भी अच्छी दिखती है, बैक साइड में भी हमें अच्छी फिनिशिंग आ जाती है कुर्ती की और फिटिंग भी हमारी अच्छी बनती है। लेकिन जब हम फिटिंग करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि जब हम टक्स पॉइंट जो है टक्स पॉइंट लेते हैं तो 1/2 इंच हमारा इसमें चला जाता है, तो ये जो फ्रंट साइड होती है ये थोड़ी सी 1/2 इंच इस साइड से और 1/2 इंच दूसरी साइड से आपको बाहर के साइड में निकालनी है और ये दोनों से साइड जो है मतलब सेंटर में आपको ये रखनी है ताकि ये फिटिंग जो है आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको एक एक पार्ट जो है वो बना के आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आपको हम समझ में आए और अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ कि कुर्ती की जो स्टिचिंग है तो कैसे करनी है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी पूरी स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैंने आपको नेक तैयार करके दिखाया था, अब यहाँ पे मैंने टक्स पॉइंट जो है वो कैसे लगाने हैं ये मैंने आपको दिखाया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो शोल्डर होते हैं शोल्डर को कैसे ज्वाइन करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने बैक साइड का जो नेक है वो तैयार किया है, यहाँ पे मैंने ये बैक साइड का नेक जो है वो छोटा लिया है और यहाँ पे टक्स पॉइंट लगाए हैं, अभी ये प्लेटें जो डाली हैं। अभी यहाँ पे हमें इसके आगे जो शोल्डर कैसे ज्वाइन करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शोल्डर जो है शोल्डर को कैसे ज्वाइन करना है।